उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने आए हैं। यज़कएल नबी के ग्रंथ से प्रभु कहता है, अगर एक पापी अपना पाप का रास्ता छोड़कर धर्म के रास्ते पर चलोगे, वो जरूर जीवित रहेगा। पर एक धर्मी अपने धार्मिकता को छोड़कर पाप करेगा, वो पाप में जरूर मरेगा। यानी ईश्वर का न्याय इस प्रकार है, और हर किसी के लिए, अगर वो बदलने के लिए तैयार है, हमेशा उसको बचाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो आप बदलेगा तो आपको बचाएगा। बस मुक्ति आपके हाथ में है, बच जाना आपके हाथ में है। अगर आप तैयार हो, आपको लगता है कि आपको जरूरत है,
एक मुक्तिदाता का, तो वो बचाने के लिए हर वक्त तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो कमजोर है आपको बचाने में, वो हमेशा तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में भी हम यही देखते हैं। प्रभु कहते हैं मत्ती के अध्याय 5 से हमें इतना सुंदर पाठ हमारे सामने है। प्रभु कहते हैं तुम्हारे भाई से क्रोध ना करो, गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करो। अरे मूर्ख भी कहेगा कचहरी में दंड के योग्य होगा, नरक दंड के योग्य होगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम बलि चढ़ाने से पहले अपने भाई से मेल करो, उसके बाद आकर बलि चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर ये शिक्षा को अगर अपने जीवन में पालन नहीं करेगा, फिर स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे हम इस रोजा काल में प्रवेश कर चुका है, और ये रोजा काल भी हमें बदलेगा नहीं, फिर तो बड़ा मुश्किल है हमारा काम। पिछले दिन एक भाई ने मेरे को बोला, फादर जो कोरोना के वजह से भी नहीं सुधरता ना, वो कभी नहीं सुधरे। कोरोना महामारी के बावजूद भी हम लोग सुधरते नहीं, श्री ईश्वर क्या करें। नरक आप चूज कर रहे हैं, बोले तो आपके चॉइस बन रहा है। स्वर्ग आपका चॉइस नहीं, स्वर्ग में जाना ही है, लेकिन नरक आप चुन लेते हो आपके और मेरे प्रवृत्तियों के द्वारा। इसलिए जिंदगी को बदलने का वक्त आ गया, सुसमाचार में विश्वास करने का वक्त आ गया है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आमेन, आमेन। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हाथों को जोड़ें, अपने पापों को हम माने, हाँ प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कीजिए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे पिता अपने विश्वासियों को ऐसी कृपा दे कि वे पास का समारोह मनाने के योग्य बन जाए, जो शारीरिक तपस्या के प्रतिवर्ष करते उससे उन सबों का आध्यात्मिक कल्याण हो। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 21 से 28 तक। क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वे अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? प्रभु ईश्वर यह कहता है, यदि पापी अपना पुराना पाप में जीवन त्याग कर मेरी सब आज्ञाओं का पालन करता और धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। उसके सब पापों को भुला दिया जाएगा और वह अपनी धार्मिकता के कारण जीवित रहेगा। प्रभु ईश्वर का यह कहना है, क्या मैं दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूँ? क्या मैं ये नहीं चाहता कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे? किंतु यदि भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर दुष्ट की तरह घृणित पाप करने लगता है तो क्या वह जीवित रहेगा?
उसकी समस्त धार्मिकता को भुला दिया जाएगा और वह अपने अधर्म तथा पाप के कारण मर जाएगा। तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इसराइलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है तो वह अपने पाप के कारण मरता है, और यदि कोई पापी अपना पाप में जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा। यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, मरेगा नहीं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आज का अनुवाक्य स्तोत्र 130 है। आप बाइबल लेकर इस वक्त हमारे साथ दे सकते हैं, पेज नंबर 913 बाइबल में, पेज नंबर 913 और स्तोत्र संख्या 130, साम 130। आज का अनुवाद किस प्रकार है? प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा? आइए हम इसको गाते हुए इस वचनों को अपने जीवन में अपनाएं। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? तू पापों को क्षमा करता है, इसीलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? ओ, कौन टिका रहेगा, कौन टिका रहेगा? हम एक और वचन गाएंगे, इसायास नबी का अध्याय 55 पद संख्या 7, इसायास का ग्रंथ अध्याय 55 वचन 7। सब लोग खड़े हो जाएं।
पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, और वह उस पर दया करेगा। क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। ईश्वर दया सागर है, ईश्वर दया सागर है। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेकर। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया हत्या मत करो, यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे रे नास्तिक, तो वह नरक की आग के योग्य ठहराया जाएगा। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दे से समझौता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रीज़ कीजे। कृपया बैठ जाइए। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन कितना सरल है, कितने सरल तरीके से वो हमें बचाने का मार्ग बताते हैं, वो हमें बचाना चाहते हैं। एक पापी को भी नष्ट होना नहीं चाहते, इसलिए प्रभु सवाल करते हैं, क्या मैं दुष्ट के मृत्यु से खुश हूं? बिल्कुल नहीं। फिर ईश्वर क्या चाहते हैं? प्रभु का स्टेटमेंट देखो, जब यीशु जकेउस में
के घर में प्रवेश करके वहाँ पर उनके साथ भोजन किया, बाकी किसी को भी अच्छा नहीं लगा। इसलिए लूकस 19:10 में हम देखते हैं ईश्वर का वचन साफ कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उससे खोजने और बचाने आया। हालेलुया, हालेलुया। यानी यीशु मसीह का मैनिफेस्टो है। यीशु मसीह का मैनिफेस्टो क्या है? प्रभु कहते हैं मानव पुत्र इसलिए आया, जो खो गया, जो नष्ट हो गया, मैं उसे खोजूंगा और उसे बचाऊंगा। तो आपको और मुझको बचाने के लिए मुक्ति दाता बनकर वो संसार में आया। बस हर पापी का मुक्ति संभव है। यीशु क्रिस्त का लहू हमें हर पापों से शुद्ध करता है। एक योगन 1:7 में लिखा है। तो इसलिए आज अगर आप टूट चुके हो, लगता है कि मुझे कोई बचाएगा नहीं, कोई नहीं मुझे बचा सकता है, मैं तो गया, किसी काम का नहीं रह गया, मैं बार बार इस बात को बताता हूँ क्योंकि शायद आप ये मिसा में पहली बार ये बात सुनते हो। आपका जीवन बचना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हमको लगता है कि ईश्वर भी मुझे क्षमा करेगा नहीं क्योंकि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, पापी हूँ। लेकिन प्रभु किसी का नुकसान नहीं चाहता, हर पापी को बचाना चाहता है। इसलिए हमने अनुवाक में ऐसा का 55:7 गाया, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, बस ईश्वर ही चाहते हैं। इज़कियेल का 18 से भी हम यही पढ़ा है, पापी अपना घृणित बुरे कार्यों को छोड़ देगा, धार्मिकता में जीना शुरू करेगा, वो जरूर बच जाएगा, मरेगा नहीं। बोले आमेन। पर प्रभु ने ये भी बोल रखा है, अगर एक धर्मी धार्मिकता को छोड़ देगा, वह सब घृणित काम करना शुरू करेगा। कभी कभी लोग अच्छे खासे लोग चर्च छोड़ जाते हैं। कोरोना काल में ही यानी इन्हीं दिनों में कितने लोग चर्च जाना बंद किया। पर मैं आपसे कहता हूं, अपने अपने या दुनिया के शिक्षाओं में, भ्रमिक सिद्धांतों में ना फंस जाइए। ईश्वर का वचन इतना क्लैरिटी है, क्लैरिटी के साथ हमें समझाते हैं, पापी को बचने का एक ही मार्ग है कि तरीका है, वो पाप को छोड़े और यीशु मसीह के वचनों पर चलना शुरू करे, वो जरूर बचेगा, स्वर्ग जरूर पहुंचेगा, नरक और शैतान उस पर कोई अधिकार नहीं चलाएगा। बोलिए आमेन। बस इतना कान खोल कर सुनिए और अपने जीवन बदल जाएगा। उसके लहू को मिट्टी में ना मिलने दे। सालों पहले यानी 2012 की बात मैं बता रहा हूं, मैं जयपुर में एक कन्वेंशन चला रहा था। मैं उस भाई का नाम भी लेता हूं क्योंकि बुरा नहीं मानता है, भाई अर्जुन है जयपुर से। वो पहले शराब पीता था। उस दिन प्रचार के बीच में मैंने ऐसा बोला, क्योंकि वो भाई साहब आके मेरे को बाद में बताया, इसलिए तो बता रहा हूँ, उसने साक्षी दिया है अपना। मैंने कहा एक हाथ में शराब की बोतल ले लो, दूसरे हाथ में यीशु मसीह का लहू, दोनों में से कौन सा नीचे फेंकोगे? इतना ही पूछा प्रचार के बीच में। वो रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा, प्रचार खत्म हो गया तब भी रोता रहा। आज 8 साल पूरा हो गया प्यारे भाई और बहनों, अब तक वो उस दिन से आज तक शराब को स्पर्श तक नहीं किया, शराब नहीं पीता है। हालेलुया। मैं जानता हूँ इसलिए बता रहा हूँ, हमारा भाई है, प्रभु यही चाहता है आप लोगों से भी। आज आप इस मिसा में भाग लेने के बाद, वचन सुनने के बाद भी वही पाप करते हो जो आप करते हैं,
फिर मिस्सा से इस वचन से क्या फायदा है? तो आज आपका मुक्ति का दिन है, टुडे इज द डे ऑफ योर सल्वेशन। आमेन। यीशु के पास आओ, वो दया सागर है, करुणा सागर है, वो आपको बचाएगा। ये रोजा काल ऐसा नहीं चलने दे, ये जो मिसा बलिदान ऐसा ना जाने दे, ये आपका जीवन को बदल कर रखेगा। आप स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनेगा, आप ईश्वर की संतान बन जाएंगे, पूरे फ्रीडम में रहेंगे, और झूठ झगड़ा चोरी लड़ाई क्रोध हत्या व्यभिचार सभी पापों को त्याग कर ईश्वर की संतान के भांति जीवन बिताने का कष्ट करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम अपने आप को पूर्ण रूप से इस बलि वेदी पर समर्पित करते हुए इस चढ़ावे में भाग लें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु को देने का, सब कुछ उसी का वरदान ही है। फिर भी आइए, जितनों से घुटने टेकने की हिम्मत है वो घुटनों में आए, हथेलियों को खुले रखें और अपने आप को सारे समस्याओं के साथ अपने पुराने स्वभाव के साथ प्रभु के चरणों में अर्पित करें। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, प्रसन्न होकर यह उपहार स्वीकार कर, तू चाहता है कि इन्हें चढ़ाकर हम तुझे संतुष्ट करें और तू पितृत्व भावना से प्रेरित होकर हमारी मुक्ति करे हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तू प्रतिवर्ष अपने विश्वासियों पर अनुग्रह करता है कि हम अपना हृदय शुद्ध कर सहर्ष पास्का समारोह की प्रतीक्षा करें। हम भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं तथा परोपकार में अधिकाधिक प्रयत्नशील बने कि मानव मुक्ति के सहयोग रहस्यों को समारोह मना सके।
इनके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है तथा तेरे पुत्रों के योग्य कृपा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। घुटने टेके और हाथ जोड़े, ये परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, ये बाहर अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, हमारे प्रभु यीशु क्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। ये परम प्रसाद है, प्रभु का शरीर है, करते हम सदा आराधना, करते हम सदा आराधना। मिलकर बोले आराधना, आराधना आराधना आराधना। सी भांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो, ये दाक्ष रस का है प्याला, बदलता प्रभु के लहू में, ये दाक्ष रस का है प्याला, बदलता प्रभु के लहू में, पापी जनों को पापों से मुक्ति दिलाता यीशु कल हुए, दिलाता यीशु कल हुए। हाथ उठाते हुए आराधना आराधना आराधना।
हमारा विश्वास का रहस्य क्रिस्त में गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष फ्रांसिस कैलिस्ट और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से थार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ उनका वर, प्रेरित गण, संत थॉमस, संत फ्रांसिस, संत क्लारा, संत अल्फोंसा और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हम सबों को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुजीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के बले तमने तुम हर लेते पाप जगत के,
हम पर दया करो हे ईश्वर के बलित में मेरे तुम हरे ते पाप जगत के हम पर दया करो हे ईश्वर के बलित में मेरे तुम हरे ते पाप जगत के शांति प्रदान करो शांति प्रदान करो शांति प्रदान करो। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, तो एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा। अपनी आंखों को बंद करें, दोनों हाथों को सीने से लगाएं, प्रभु को अपने दिल में महसूस करें। प्रभु को बोले, प्रभु मेरा दिल आपका सिंहासन है और इस मंदिर में आप निवास कीजिए। बोले यीशुआ मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान यीशुआ। सब मिलके बोले यीशुआ यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा यीशुआ यीशुआ यीशुआ। मेरे मन में समा जा यीशुआ, मेरे मन में समा जा।
हम प्रार्थना करें। हे पिता, तेरे संस्कार का पवित्र बोझ हमें नई शक्ति प्रदान करें और हमारी पुरानी दुर्बलता दूर कर मुक्ति प्रद रहस्य के सहभागी बना दे हमारे प्रभु क्रीस के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तारीफ करने से महिमा गाने में है, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। सच्चे दिल से हम जब महिमा करते हैं, सच है मसीह यीशु से हम बातें करते हैं। फिर रूह से भरने में खुदा से बातें करने में है, रूह से भरने में खुदा से बातें करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तारीफ करने से महिमा गाने में, तारीफ करने से महिमा गाने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है।